लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी। और इन्हीं के बलबूते पर ही हमने सन 2007 में यहाँ आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़कर फिर अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई थी। इसलिए अपने इस अनुभव को भी खास ध्यान में रखकर हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। इसके साथ ही यदि ये चुनाव सन 2007 में यूपी विधानसभा के हुए आम चुनाव की तरह फ्री एंड फेयर होता है, जिसमें उस समय ईवीएम में कोई भी धांधली व गड़बड़ी आदि नहीं की गई थी, तो फिर इस बार हमारी पार्टी लोकसभा के आम चुनाव अकेले ही लड़कर अपना बेहतर रिजल्ट जरूर लाएगी। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी गठबंधन न करके अकेले ही चुनाव इसलिए लड़ती है क्योंकि इस पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व एक दलित के हाथ में है, जिनके प्रति अधिकांश पार्टियों की जातिवादी मानसिकता अभी तक भी नहीं बदली है। यही मुख्य वजह है कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने में बीएसपी का वोट तो गठबंधन से जुड़ी पार्टी को पूरा चला जाता है, लेकिन उनका अपना बेस वोट व विशेषकर अपर कास्ट समाज का वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं हो पाता है। और इसके कुछ खास उदाहरण ये हैं कि यहाँ यूपी में सन 1993 में हुए विधानसभा के आम चुनाव सपा से गठबंधन करके लड़ने से बीएसपी की केवल 67 सीटें ही जीत कर आई थी, जबकि सपा को इसका ज्यादा लाभ पहुंचा था। उसके बाद सन 1996 में बीएसपी ने यूपी में हुए विधानसभा का आम चुनाव कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करके लड़ा था, जिसमें पार्टी की केवल 67 सीटें ही जीत कर आई थी और इस चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को ही ज्यादा फायदा हुआ था। तो तब फिर बीएसपी ने यहाँ सन 2002 में विधानसभा के हुए आम चुनाव अकेले ही लड़ा था, जिसमें पार्टी की पहली बार यहाँ 67 से बढ़कर लगभग 100 सीटें जीत कर आई थी, जिसमें दो हमारे विधायक सिंबल ना मिलने की वजह से समय से इंडिपेंडेंट जीत कर आए थे। उसके बाद सन 2007 में यूपी में विधानसभा के हुए आम चुनाव में बीएसपी ने फिर से अकेले चुनाव लड़कर यहाँ अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार भी बना ली थी, जबकि उस समय ये चुनाव ईवीएम से ही हुआ था, जिसमें शुरू में कोई धांधली व बेईमानी आदि नहीं हो पाई थी। साथ ही यहाँ लोकसभा आम चुनाव में व देश के अन्य राज्यों में भी अकेले चुनाव लड़कर खासकर वोट प्रतिशत के हिसाब से पार्टी की काफी अच्छी स्थिति रही है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से अब हर चुनाव में ईवीएम में काफी धांधली व बेईमानी आदि हो रही है। ऐसी यह आम धारणा है जिसकी खास वजह से अब हमारी पार्टी को भी यूपी सहित पूरे देश में काफी कुछ नुकसान हो रहा है, जबकि इसके बावजूद भी हमारी पार्टी ये सोचकर देश में सभी चुनाव पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ती है कि पता नहीं कब ईवीएम में धांधली व बेईमानी आदि करने वालों का सिस्टम फेल हो जाए, तो तब फिर संबंधित चुनाव में सही रिजल्ट आ सकता है।
हालांकि अब ईवीएम के विरोध में काफी आवाजें भी उठने लगी हैं। ऐसे में ये सिस्टम कभी भी खत्म हो सकता है।